नवरात्रि के दिनों में माँ आदि शक्ति के समस्त रूपों का पूजन और आराधना की जाती है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ के एक रूप की पूजा की जाती है और इन 9 दिनों में पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। पवित्र मन और उपवास में रहकर इन 9 दिनों में की गई साधनाएं और हर तरीके की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिस घर में मां आदिशक्ति का स्वरूप विराजित होता है वहां नकारात्मक तत्व कमजोर पड़ते हैं। माता नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित करती है। किसी भी समस्या का निदान भी तुरंत कर सकने का सामर्थ्य भी आशीर्वाद स्वरूप मिलता है। नवरात्रि के पूजन में इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज्वार रखें, मां को जल अर्पित करें। सुबह और शाम मां के आराधना स्थल पर दीपक जलाएं, पाठ और स्तुति करें। यथासंभव लगे पैर में चप्पल आदि का कम से कम प्रयोग करें। 9 दिन तन और पूरे मन से उपवास रखें। मां के श्री स्वरूप प्रतिमा अथवा चित्र के प्रतिदिन सुंदर श्रृंगार करें, संभव हो तो प्रतिदिन वस्त्र भी बदल दें। अष्टमी और नवमी पर विधि विधान से कन्या पूजन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इन दिनों घर पर आई किसी भी कन्या को खाली हाथ न विदा करें। घर में माता की अखंड ज्योति प्रज्वलित करने से माता स्वयं उस घर की रक्षा करती हैं, अतः घर में माता की अखंड ज्योत जरूर जलानी चाहिए। इन 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करें और आपके लिए संभव हो तो जमीन पर शयन करें। निंदा चुगली असत्य भाष त्याग कर माता का गुणगान करते रहें। नवरात्रि व्रत में क्या खाना चाहिए, व्रत कैसे रखें, कैसे अपने खान पान को संतुलित करें, इससे जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अगला भाग जरूर देखिए। नवरात्रि से जुड़ी कई रोचक जानकारियों के वीडियो पहले से ही हमने अपलोड कर रखे हैं। आपकी सुविधा के लिए उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हम सनातन धर्म से जुड़ी हर जानकारी आपको देना चाहते हैं। यदि आपकी रुचि हमारे सनातन धर्म की विराटता जानने में है तो जुड़े रहिए हमसे हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, जल्द ही फिर मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो।